learning about how to load a data set, and then we'll be performing all the operations we have learned till now on the data sets. Okay, any confusions? Data sir, set check karo. Haan, bolo. Sir, kaun sa data set download karna hai ya sare karne hai? Abhi aap, maine kaun kaun se daale hai? Netflix hoga, IPL hoga. IPL ko kar lena abhi. ठीक है जी, एक ICMR, HBD और कोविड. हाँ, ICMR कर लो, HBD कर लो और IPL कर लो अभी. ओके सर. कर लो, बाकी सब लोग भी डाउनलोड कर लो जल्दी से. ठीक है, तो ICMR का डेटा सेट, HBD का डेटा सेट और किसका मैंने कहा IPL, ये तीन डेटा सेट जो मैंने डाला अभी उसको डाउनलोड कर लो. चलो, तो सबसे पहले विल सी हाउ टू लोड अ डेटा सेट. ठीक है, आप लोड करने के बाद आपका पहला काम क्या होगा कि जिस भी डायरेक्टरी पे आप वर्क कर रहे हो, या फोल्डर है या एकदम बाय डिफॉल्ट आपका नोटबुक ही है, तो वॉट एवर इट इज, आपको यहाँ पर अपलोड पे जाना है एंड देन यू सिलेक्ट योर फाइल. ठीक है, सिलेक्ट करके आप अपलोड करते हो, जैसे मैंने अभी किया था, आपने देखा अपलोड पे क्लिक करना है. कोई भी डेटा सेट जैसे आप लोड कर रहे हो, लेट्स से मैंने यूएसए हाउसिंग का डेटा सेट सिलेक्ट किया, अभी मैंने अपलोड किया, आप लोग भी ऐसे डाउनलोड करोगे. सिलेक्ट किया मैंने, अपलोड किया, अब यहाँ पर नेमिंग आप चेंज कर सकते हो कि अच्छा डॉट CSV और ये सब चेंज नहीं करना आपको, सिर्फ डॉट के पहले का अगर इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज आप चेंज कर सकते हो. उसके बाद यू कैन अपलोड है, यू कैन क्लिक ऑन अपलोड और ये अपलोड होकर आ जाएगा. ठीक है, साइज यहाँ पर दिखेगा, टाइम आप जब भी अपलोड किए. ठीक है, अभी आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम कैंसलिंग दिस. ठीक है, तो डेटा सेट्स आप अपने क्लासरूम से डाउनलोड करिए और यहाँ पर अपलोड करिए, नहीं तो फिर यू विल फेस प्रॉब्लम्स कि सर ये लोड नहीं हो रहा है. ठीक है, तो एक बार चेक कर लो, इसका लोड नहीं हो रहा है तो अभी बता देना. तो लोड करने के प्रोसेस क्या है, देखो लोड हो गया. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, से पहले यू विल रिक्वायर टू जस्ट अ मिनट. हाँ, इससे पहले आपको ये रिक्वायर्ड है कि आप पैंडास इंपोर्ट कर लें. चलो, तो मैं पहला डेटा फ्रेम लोड कर रहा हूँ, तो आई विल बी डूइंग इट PD डॉट. देखो रीड CSV फाइल है, हमारा CSV फाइल है ना, मोस्टली मैंने CSV फाइल्स दिए हैं आपको, तो CSV फाइल को रीड करेंगे. ठीक है, चलो तो रीड CSV, अंदर में यू नीड टू गिव स्ट्रिंग्स इन दी पेरेंथेसिस. अभी आपका नाम फाइल का IPL है, लेट्स से अगर हम पहले IPL का डेटा सेट लोड कर रहे हैं, तो IPL एंड देन टैब, आप लिखो I और टैब प्रेस करना, तो I से जो भी फाइल होगा, अगर एक से ज़्यादा या मल्टीपल फाइल्स वी आर हैविंग, वो वहाँ पर आपको एक लिस्ट ऑफ फाइल्स शो करेगा, नहीं तो इट विल बी जस्ट लोडेड. ठीक है, हो गया इतना काम, बस रन कर दो. वेट फॉर सम सेकेंड्स. हाँ, हो गया, अभी विल सी, लोड हो गया सबका? यस सर. हाँ, गुड. तो नाउ व्हाट वी वांट इज, अच्छा मुझे बताओ अभी जितने ऑपरेशन हमने किए हैं, अब अगर मुझे देखने फर्स्ट 5 रोज तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट 5 रोज ऑफ द डेटा सेट कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ. DF square bracket head function है ना, head function का use करेंगे, df dot head.
तो फर्स्ट फाइव आपको मिलेगा आउटपुट. तो क्या दिख रहा है आपको, सीरियल नंबर, सीजन, सिटी, डेट, टीम वन, टीम टू, टॉस विनर, टॉस डिसीजन, रिजल्ट, डीएल अप्लाइड, विनर, विन बाय रन्स, विन बाय विकेट्स, मैन ऑफ द मैच, वेन्यू, एफ अंपायर, सेकंड अंपायर एंड देन अननेम्ड कॉलम है जिसमें आई थिंक नैन वैल्यूज दिख रहे हैं मुझे. हाँ ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली एक आईपीएल का डेटा सेट है जिसपे यू हैव द रिकॉर्ड्स ऑफ द मैचेस. अब कहाँ से कहाँ तक मैचेस है ये हमको एक्सप्लोर करना है, वी नीड टू एनालाइज दिस डेटा सेट. ठीक है, इतना सब कुछ जो पढ़ा दो दिन उसको क्या करना है, अभी एनालाइजेशन करने हैं. ठीक है, डेटा सेट सब डाउनलोड करके अपलोड कर लिया होना, लोड करने में प्रॉब्लम आ रही होगी. अगर अगर आप अपलोड नहीं करते हो तो यू नीड टू स्पेसिफाई इसको कैसे करना है. देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आप अपलोड नहीं किए हो तो यू नीड टू डू लाइक आईपीएल डेटा सेट है ना. हाँ, जस्ट अ मिनट, गेट इन्फो, लेट मी कॉपी माय पाथ. या कॉपी, अगर आप अपलोड नहीं किए हो तो एक और मेथड मैं आपको शो कर दे रहा हूँ. अच्छा, यहाँ नहीं लिखता हूँ, एक ऑल्टरनेटिव मेथड यहाँ पे शो कर रहा हूँ. इसे कहते हैं पाथ से डायरेक्ट रीड करना. ठीक है, रीडिंग फाइल डायरेक्टली फ्रॉम पाथ. कैसे करेंगे, मान लो आपने दिया df equals pd dot read csv file from where, from this area, कहाँ से, यहाँ से. तो users, then whatever your PC name is, then downloads, उसके बाद आप slash देकर file का नाम जो है वो लिख दोगे ipl.csv और साइड में R लिख देना ताकि कोई errors ना आए. वैसे तो आते नहीं है लेकिन अगर आ रहे हैं तो you can write R there to read that particular path. ठीक है, so df1 will run successfully. तो df1 का भी अगर मैं head देखूँ, और हेड का सिर्फ वन देख रहा हूँ अभी, सिर्फ फर्स्ट रो देखना चाह रहा हूँ, तो आप देखोगे सेम वैल्यूज आपको दिख रही है ना. कोई प्रॉब्लम, जो लोड नहीं करते, जिनको प्रॉब्लम होता है लोड करने में, यू कैन यूज दिस मेथड. एनी डाउट्स? या कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना. कैसे कैसे इनपुट लेते हैं मैं अभी बता दूंगा. एक CSV का फॉर्मेट का इनपुट कैसे होता है, HTML का फॉर्मेट का इनपुट कैसे लोगे. ठीक है, SQL का फॉर्मेट है तो SQL कैसे लोगे, Excel फॉर्मेट ले रहे हो तो वो कैसे इनपुट लेना है. ओके, आउटपुट्स कैसे शो करते हैं, या यहाँ पे तुमने कोई डेटा सेट क्रिएट किया उसको Excel फाइल में कैसे आउट करोगे, राइट, डिस्कस करेंगे. चलो, तो अभी वी हैव दिस डेटा सेट. अब डेटा सेट लोड होने के बाद यू नीड टू डिस्क्राइब और टू गो थ्रू योर डेटा, राइट, हाउ योर डेटा सेट आर वर्किंग ऑन. ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है डेटा सेट को लोड करने के बाद. ठीक है, तो इस पे जाते हैं पहले. तो एनालाइजिंग योर डेटा, कौन कौन से मेजर फंक्शंस यूज होते हैं यहाँ पर. मेजर फंक्शंस होता है डिस्क्राइब, इन्फो. ठीक है, काफी मेजर फंक्शन है ये, डिस्क्राइब देखेंगे और इन्फो देखेंगे. चलो, तो df डॉट डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता है, हमने numpy में पढ़ा था कि आपको स्टैटिस्टिक्स चाहिए तो आप क्या यूज करते थे, एग्रीगेट फंक्शंस याद करो. हमने नंपाई में जब पढ़ा था तो कुछ कुछ फंक्शंस पढ़े थे मैथमेटिकल, मैंने बताया था कि आपको 50% आई, 75% आई, 25% आई, इस तरह के वैल्यूज मिलते हैं जब आप डिस्क्राइब फंक्शन यूज करोगे. तो याद है क्या, भूल गए? चलो ठीक है, तो डिस्क्राइब फंक्शन आपको क्या बताएगा, ऑल अबाउट द स्टैट्स ऑफ द डेटा. ठीक है, तो लेट्स से हमने लिखा df.describe.
तो करता क्या डिस्क्राइब, देखो डिस्क्राइब के शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करना, पूरा डॉक्यूमेंटेशन यू विल गेट। डिस्क्राइब में परसेंटाइल्स होते हैं बाय डिफॉल्ट, ये सारे नन होते हैं, डॉक स्ट्रिंग दिया हुआ है, पढ़ लेना एकदम ध्यान से जो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो डेटा फ्रेम काउंट बताता है, दैट इज काउंट नंबर ऑफ ऑल नल वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस, अगर हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। डेटा फ्रेम का मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, मिनिमम वैल्यू बताएगा, मीन्स बताएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बताएगा, और डेटा टाइप्स जो है वो आपको बताएगा। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ डिस्क्राइब, ठीक है। तो कोई भी डिस्क्राइब आप किए तो काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, 25, 50 एंड 75 परसेंटाइल वैल्यूज आते हैं, समझ आई बात। यही आपको अभी क्रिएट होकर आएगा, विल सी दिस। चलो तो डी एफ डॉट डिस्क्राइब फंक्शन को रन किया तो वी गेट अ टेबल देयर। अच्छा ये देखो, ये लास्ट का जो कॉलम मुझे दिख रहा है ये कोई काम का नहीं है, तो फर्स्ट व्हाट विल डू इज, यहाँ लोड कर लिया ना डेटा, तो एक काम करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको, क्या नाम है इसका, अननेम्ड करके कुछ है, अननेम्ड 17, ठीक है। अब ठीक है, अब आप तो आई थिंक अब नहीं आएगा, हाँ अभी ठीक है, उसको डिलीट कर दिया। ये चीज़ हमने सीख लिया है कि कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। चलो आगे, तो काउंट मीन स्टैंडर्ड मिनिमम 25 परसेंटाइल। अब देखो क्या है, एक सीरियल नंबर इज देयर, तो सीरियल नंबर काउंट बता रहा है कि 636 रोज हैं। अगर आप काउंट देख रहे हो तो व्हाट इज दैट 636 वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू सीरियल नंबर में 1, 2, 3, 4 करके ये जो जा रहा है ये कितने हैं, 636, मतलब आपके पास 636 मैचेस का रिकॉर्ड है, समझ आई बात, अरे आई बात समझ में, यस सर। हाँ तो सीजन भी ऑब्वियसली 636 होंगे, अगर 636 मैचेस का रिकॉर्ड है तो उतने ही सीजन भी होंगे, उतने ही विन बाय रन भी मिलेंगे आपको, उतने ही विन बाय विकेट भी मिलेंगे। एक बार रीडन कर लेता हूँ, हाँ चलो, मीन आपको मिल गया 636 का निकल गया, सीजन का निकल गया कितना 2012, विन बाय रन्स का 13, कुछ ऐसे वैल्यूज आ गया आपके पास। चलो इतना क्लियर हो गया, हाँ। तो मिनिमम वैल्यू जो दिख रहा है मुझे 2008 सीजन का दिख रहा है ऐसा कुछ, और मैक्सिमम वैल्यू मुझे दिख रहा है 2017। तो इस डेटा का डिस्क्रिप्शन से आई कैन अंडरस्टैंड दैट वी हैव डेटा वेयर वी हैव मिनिमम वैल्यू, मतलब लीस्ट वैल्यू जो है हमारे पास, या सबसे पहली वैल्यू जो होगी आईपीएल के डेटा सेट की सीजन की, वो 2008 से स्टार्ट हुई है और मैक्सिमम आई थिंक 2017 तक इट्स गोइंग, ठीक है। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि 2017 तक कंटिन्यूसली 2008, 9, 10, 11 तक का दिया हुआ है, ठीक है। मैक्स 17 है, मिनिमम 8 है, इन बिटवीन कितने हैं हमको नहीं पता, राइट। तो वी नीड टू एनालाइज दैट। चलो इतना तक क्लियर है सबको, क्या क्या आपको पता चल रहा है वैल्यूज, देख लो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं, नाइस, ओके। चलो तो डीएफ के कॉलम्स क्या है, अभी जो दो दिन तक इतना पढ़े हैं उनको एनालाइज करना है बस, डीएफ डॉट कॉलम्स, तो ये सारे कॉलम्स है, सीरियल नंबर, अच्छा एक हमने डिलीट कर दिया है ना, याद रखना, सीरियल नंबर, सीजन, सिटी, डेट, टीम वन, टीम टू, टॉस विनर, टॉस डिसीजन, ये सब आ गया हमारे पास। चलो हमको क्या देखना है कि कितने सीजन के मैचेस हैं, राइट। तो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा कि चेक द नंबर ऑफ सीजन, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, डी एफ डॉट, बताओ कैसे चेक करेंगे, कॉलम को एक्सेस करना है ना, df dot season या df list brackets के अंदर में season लिख सकते हो, आपके ऊपर depend करता है कि what you use, SQL method use करो या pandas में method जो use होता है, indexing method use करो, whatever you want। तो df dot season dot the values, तो आया 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, हमको क्या चाहिए बताओ, बताओ जल्दी बताओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम,
तो इतने सारे ईयर्स का डेटा है आपके पास, मतलब 2008। अच्छा हमको कितना चाहिए, चेक द नंबर ऑफ सीजन बोला है, तो क्या यूज करेंगे, एन यूनिक। कोई प्रॉब्लम है? अरे जल्दी जल्दी बताओ, है तो है बोलो, नहीं तो नहीं। नो सर। हाँ किसी को होगा तो पूछ लेना फिर, ये सब पढ़ चुके हैं, एन यूनिक यूनिक सारे पढ़े। सॉरी, तो 2008 से लेकर 17 तक डेटा है हमारे पास, जैसा कि हमने देखा। और या तो इसको एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यूनिक भी निकाल देते हैं और एन यूनिक भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो 10 ईयर्स का डेटा है हमारे पास, नाइस गुड। नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, 636। देखो आप अब डेटा साइंस पढ़ रहे हो या डेटा सेट पर काम कर रहे हो तो थोड़ा सा मेमोरी पावर थोड़ा शार्प रखना, ठीक है। 636 डेटा था हमारे पास, ठीक है। 636 रोज थे, कितने कॉलम्स हैं, कॉलम्स का साइज कैसे चेक करेंगे, df डॉट कॉलम डॉट सॉरी साइज चेक कर लो तो यू गेट 17। सो 636 शेप क्या हो जाएगा आपका, बताओ जल्दी बताओ, 636 क्रॉस 17 है ना। चलो अभी हमको पता चल गया इतने नंबर ऑफ सीजन हैं, ठीक है। अब एक एक करके आइडेंटिफाई करते हैं, नेक्स्ट कॉलम पर जाते हैं कि सिटीज, तो कौन कौन से सिटी है जहाँ पे मैचेस प्ले हुए हैं, प्लेड किए गए, कौन कौन से सिटीज हैं जहाँ पे मैचेस खेले गए, तो कैसे चेक करेंगे, df डॉट सिटी डॉट यूनिक। सारे तो वैल्यूज नहीं देखोगे ना, यूनिक वैल्यूज देखोगे। तो ये सारे सिटीज हैं, बैंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, ओके, फाइव। देखो बीच में 9 भी आया, तो आई थिंक समवेयर देयर इज अ मिसिंग वैल्यू, आगे देखेंगे मिसिंग वैल्यू के ऊपर। तो 9 भी आया अभी, ईस्ट लंडन, जोहान्सबर्ग, ठीक है फाइन, ओके। तो ये सारे सिटीज हैं जहाँ पे मैचेस प्ले किए गए हैं, कब से, 2008 से लेकर 2017 के इंटरवल में, ओके, लाइक 10 ईयर्स, पास्ट 10 ईयर्स, अभी से यू कैन टेक 5 ईयर्स बैक, राइट, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स बैक, तो तब तक का डेटा यू हैव, ओके ना। चलो ठीक है, तो किस सिटी में कितने नंबर ऑफ टाइम्स प्ले हुआ है ना, ऐसा क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, कि किस सिटी पे, एनालाइज करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, कि अगर मुझे जानना है कि इन सारे सिटीज में से कौन सा सिटी है जहां पे सबसे ज्यादा मैचेस खेले गए हैं, कर सकते हैं आइडेंटिफाई, बताओ बताओ, यस, बताओ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सर काउंटर से, काउंटर मतलब जो काउंट वाला फंक्शन होता था, हाँ काउंट वाला फंक्शन, नहीं नहीं उसको नहीं यूज करेंगे, काउंटर मतलब वो तुम डिक्शनरी वाला बोल रहे हो क्या, वो जो डिक्शनरी क्रिएट करता था, ये यूज करते थे जो कि फ्रॉम कलेक्शन, हाँ यस सर, कलेक्शन से, यस सर, कलेक्शन से जो इंपोर्ट करते थे क्या, काउंटर, ऐसा करके काउंटर ऑफ क्या लगाना बोल रहे हो तुम, df डॉट सिटी, सिटी डॉट वैल्यूज, ऐसा बोल रहे हो, हाँ जी सर, हाँ तो ये तो पैंडास का मेथड नहीं हुआ ना, अच्छा ओके है ना, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दिख रहा है, देखो मैक्सिमम मुझे एक 85 दिख रहा है मुंबई, ये आ गया नीचे, तो ये तो आपको डिक्शनरी मिल रहा है ना, हालांकि गलत मेथड नहीं है, लगा सकते हो बट ये यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए इट्स ओके, आपने, आपको पता है, अच्छी बात है, याद है, गुड, नाइस, वेरी गुड, तो मैक्स करके निकाल लिया। अच्छा अब मुझे देखना है मैक्स नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, पैंडास का मेथड यूज करना है, ठीक है, पैंडास पढ़ रहे हैं तो उसी का मेथड यूज करते हैं। तो df डॉट हमने पढ़ा है सिटी डॉट, और मुझे सिर्फ एक वैल्यू देखना है कि किस सिटी का है, तो वो तो पूरा डिक्शनरी क्रिएट करके दे रहा ना मुझे, फिर उसको सॉर्ट करो, सॉर्ट करने के बाद फिर उसका फर्स्ट एलिमेंट देखो, है ना। तो आप क्या करोगे, इसके आप क्या चेक करोगे, वैल्यू काउंट्स, याद है वैल्यू काउंट फंक्शन हमने पढ़ा, और इसका मुझे क्या चाहिए, सिर्फ पहला वाला 85 वैल्यू, ठीक है, तो मैक्सिमम वही वैल्यू है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे क्या दिख रहा है,
ऐसा करके अगर मैं कर दूं एक, तो मुझे क्या दिख रहा है कि सिर्फ जो फर्स्ट वैल्यू है वो है मुंबई 85 टाइम्स मैचेस खेले गए हैं, 636 मैचेस में 85 टाइम्स मैचेस मुंबई में खेले गए। एनी डाउट्स? वैल्यू काउंट्स आपको क्या क्रिएट करके देता था कि एक पर्टिकुलर अगर कॉलम में एक ही वैल्यू बार 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 आई है तो उसी का काउंट आपको क्रिएट करके देता था। ये कल ही पढ़ा है क्या? शायद कब पढ़े थे इसको, कल की परसों? आई थिंक कल ही रिपीटेशंस कल ही देखे थे हम, एक्स वाई करके जो पढ़ा था, है ना? तो कोई प्रॉब्लम है वैल्यू काउंट्स के फंक्शन में? हाँ जल्दी बताओ, यस नो? No, अब सिर्फ एक वैल्यू देखना था तो मैंने ये किया, नहीं तो आप अगर नहीं देखना है पूरे वैल्यूज देखने तो आप पूरे वैल्यूज देख सकते हो, सॉर्ट होके वैल्यूज आएंगे आपके पास। ठीक है क्षितिज, समझ में आई बात? यस सर। हाँ, इस तरह से आते हैं वैल्यूज, अब आप इसको सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे भी करना है। समझ गया सर। मुझे एक चाहिए था तो मैंने एक, अच्छा चलो फर्स्ट फाइव वैल्यूज देख लेते हैं, इधर ऐसा दिख जाएगा तो इंडिया ही गिर गया सारे। हाँ चलो, ये तो समझ में आ गया कि कौन से फाइव सिटीज में इस तरह से आपको मिल गया वैल्यू। चलो आगे देखते हैं और कहाँ गया कॉलम्स, कॉलम्स कहाँ गए कॉलम्स। हाँ अब मुझे पता करना है कि कितने टीम्स खेले, तो मुझे बताओ टीम वन कॉलम है टीम टू कॉलम है, कौन से कॉलम में जाऊँ? लॉजिक लगाना एकदम, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। आईपीएल देखते हो सब? सभी देखते होंगे, सबके घर पे चलता होगा आई थिंक, है ना? यस सर। हाँ तो सबके घर पे चलता होगा। बताओ टीम वन है टीम टू है, किस टीम को देखो तो मुझे पता चलेगा कि इतने सारे टीम खेले थे मैचेस। सॉरी सर, टीम वन या टीम टू, टू में से कोई भी देख सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि दोनों जो से कोई सेम टीम के साथ तो खेलेगा नहीं, केकेआर के साथ तो खेलेगी नहीं। हाँ। तो इसलिए जो भी सामने वाली टीम ओपोनेंट होगी वो पता लग ही जाएगा कि इसने इतने टीम खेली है। अच्छा। हाँ ये चीज कर सकते हैं। और क्या आईपीएल का क्या पता आपको कि एवरी टीम हैज एन चांस टू प्ले विद द अदर टीम, सारे टीम खेलते हैं एक दूसरे टीम के साथ, कितना 14 टाइम्स खेलते हैं क्या सर? हाँ, डबल राउंड रॉबिन होता है तो दो मैचेस खेलते हैं सब। तो किसी भी एक टीम का डेटा उठा के अगर सर्च करें तो हमको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ टीम्स हैं, है ना? क्योंकि दोनों कॉलम में टीम्स होंगे, ऑब्वियसली होंगे, भले ही कम टाइम्स हो लेकिन होंगे, तो हमको तो यूनिक चाहिए ना, तो पता चल जाएगा कि ये टीम खेला तो है एटलीस्ट। हाँ चलो, आइडेंटिफाई द टीम्स करते हैं, नंबर ऑफ टीम्स नहीं करेंगे, टीम्स को आइडेंटिफाई कर देते सिर्फ। तो df डॉट टीम वन डॉट यूनिक, के आर सी एस के आर आर एम आई डी सी के एस एम बी आर से, ये कौन सी टीम है? जी एल गुजरात लाइन से क्या? यस सर। ओके चलो, अच्छा ये टीम थी ना पुणे वॉरियर्स, युवराज सिंह ने अच्छा मारा था। चलो आगे देखते हैं, टीम वन आ गया, वैल्यूज आ गए हमारे पास, आगे कहाँ है टॉस विनर, और ये सब आप लोग एक्सप्लोर करते रहना, ठीक है? मैं एकदम सा एक्सप्लोरेशन नहीं दिखा रहा हूँ, रिजल्ट्स और ये सब। अब मुझे देखना है कि रिजल्ट कॉलम में मैंने देखा था यहाँ पर कि हमारे पास ऑप्शन था नॉर्मल, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आया है कि जहाँ पे वैल्यूज नॉर्मल ना हो, या डीएल अप्लाइड, कुछ कई कुछ मैचेस तो होंगे जहां डीएल अप्लाई हुआ हो, है ना? तो वो कुछ मैचेस कितने हैं जहां पे डीएल अप्लाइड यस है, अभी तो नो दिख रहा है ना, तो वो कितने मैचेस हैं जहां पे डीएल अप्लाइड यस है, तो बताओ क्या यूज करना पड़ेगा? बूलियन इंडेक्सिंग है? तो चेक करना है कि कॉलम डीएल कॉलम में यस कहाँ है, तो क्या करेंगे, df डॉट डीएल अप्लाई इक्वल इक्वल्स टू, अगर y करके लिखा, कैपिटल y है क्या कि स्मॉल y है, क्या चल रहा है देखने दो, कैपिटल y चलेगा,
रन किया तो एक सीरीज मिलेगा फॉल्स फॉल्स ट्रू, देखो ट्रू दिख रहा है 633 में, अब चेक करना है कैसे करेंगे, ऐसा कर दे क्या, ऐसा करके सर्च कर लेंगे। अरे पढ़ा ये चीज, मैंने बताया था ना कि यूज आएगा आगे। यस सर। हाँ देखो आया, जितने डीएल अप्लाइड कॉल, तुमको क्या लगता है आईपीएल का मैच होता है कोई प्लेयर आता है स्क्रीन के सामने उसका जो स्टैटिस्टिक्स निकलता है वो क्या उसी टाइम कैलकुलेट करते हैं कि पिछले मैच में इसने इतना ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा, इसका स्टैटिस्टिक्स ऐसे हो गया लास्ट 10 ईयर्स में, ग्राफ इसका ऐसे, ऐसे डेली के डेटा रिकॉर्ड होते हैं ठीक है, एक छोटी छोटी चीज़ का डेटा रिकॉर्ड करते होंगे वो लोग, तो इतना टाइम नहीं लगता है, आप भी तुरंत निकाल सकते हो स्टैटिस्टिक्स एक बार ऐसे, बस आपको जानना है कि कैसे यूज़ करते हैं। तो ये इतने ही सारे मैचेस हैं 636 में जहाँ पे डीएल अप्लाई किया गया था, किसके किसके मैच में किया गया था आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजी है, कोई डाउट, कौन कौन से ईयर में किया गया है वो भी पता चल जाएगा, ये देखो किस डेट पे किया गया है ना, डेटा सेट बनता है तो एवरीथिंग इज देयर, समझ में आई बात, तो 2016 में कितनी बार किया गया, अच्छा अब बताओ मुझे, अभी बुलियन इंडेक्सिंग कर दिए ठीक है, अब मैंने बोला कि 2018 में कितनी बार डीएल अप्लाई हुआ, चेक करो कैसे करोगे बताओ, जल्दी बताओ 2000, अच्छा 18 का तो डेटा है ही नहीं, 16 में कितनी बार अप्लाई हुआ है चेक करना है, कैसे करेंगे, मुझे दिख रहा है चार बार है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, हाँ तो चेक करेंगे कैसे करेंगे, डी एफ याद है लिस्ट ब्रैकेट्स वाले चीज, डी एल अप्लाइड इक्वल इक्वल्स टू वाई एंड डी एफ डॉट सीजन है ना, ये सीजन वैल्यू इक्वल इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 2016 और ये ऐसा क्लोज होकर आएगा डीएफ में, तो ये वैल्यूज आ गए आपके पास चार वैल्यूज, कोई प्रॉब्लम, अरे जो भी उतना नंबर नंबर के साथ पढ़े थे अभी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है सर, जैसे आपने अभी इज इक्वल टू 16 किया है 2016 किया है, तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर मंथ का चाहिए हो तो मतलब ऐसी 05/2016 सीधा लिख सकते हैं, मंथ का मतलब जैसे सिर्फ अगर हमें मई मंथ का चाहिए, मई 2016 में कितनी बार डीएल अप्लाइड हुआ, हाँ तो उसमें हम जैसे आपने यहां डीएफ डॉट सीजन इक्वल इक्वल टू, ऐसा ऐसा नहीं, इस डेटा सेट में क्या है सिर्फ डेट्स दिए हुए हैं ना, तो हाँ जी ये डेट्स तुम सिर्फ 5 दोगे ना तो ये पूरे स्ट्रिंग वैल्यू है, इस स्ट्रिंग में सिर्फ वो 5 आइडेंटिफाई नहीं करेगा, अगर वो यूनिकली सिर्फ मई दिया रहता तो आप कर सकते थे, अच्छा ओके ओके ठीक है सर, ठीक है क्योंकि अगर ऐसा मंथ लिख के दिया रहता ना कि ये मई मंथ का है तो सिर्फ मई मंथ में आपको दिख जाता, अच्छा तो सर ये स्ट्रिंग है तो df.season=2016 कैसे रीड हो रहा है, सिर्फ 16 नहीं रीड होना चाहिए था, नहीं 20, अच्छा डेटा टाइप तो, अच्छा हाँ एक फंक्शन तो मैंने छोड़ दिया, डेटा टाइप देख लो, तो ये डेटा टाइप क्या बता रहा है कि सीजन में इंटीजर है बस, बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, विन बाय रन्स में इंटीजर है, विकेट्स में इंटीजर है और सीजन सीरियल नंबर इंटीजर, बाकी सब ऑब्जेक्ट्स हैं, समझ गए बात, अच्छा ओके सर ठीक है, तो वो सीजन वाला क्या है इंटीजर है इसलिए उसने रीड कर लिया, अगर स्ट्रिंग भी होता ना तो 2016 को वो क्या है वो यूनिकली लिखा हुआ है ना 2016 रिपीटेडली लिखा हुआ है, ठीक है सर ठीक है ठीक है ओके सर ठीक है, मैं दूसरी वैल्यू कंसीडर कर रहा था सॉरी सर, ओके हां चलो ठीक ओके, तो इतना आ गया समझ में, ये ऐसे निकाल लिया, ये सब किया है हमने, बस उसी का प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि अगर ओरिजिनल डेटा सेट है तो उस पे कैसे काम करने वाले हैं, चल आगे देखते हैं, इसके बाद डीएल अप्लाई हो गया, हाँ अभी कौन सी टीम कितने बार विन की है, अब यहाँ पे विनर्स के जो लिस्ट है ना वो ऐसे नहीं बनाए जाते डेटा सेट पे कि फाइनल्स कितने बार जीते हैं आपने, है ना, आपने कोई भी मैचेस खेले हो और कितने टाइम विन किए हो उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा टीम स्ट्रांग है ना, तो बताओ आप लोग आंसर क्या आएगा चेक करेंगे, तो बताओ बताओ कोड बताओ कैसे चेक करें, जल्दी बताओ कोड पे, सिंपल सा कोड है एकदम, जल्दी बताओ df डॉट विनर है ना, उसका क्या करेंगे वैल्यू काउंट करेंगे, आई थिंक एम आई आएगा, यस 92 टाइम्स, नाइस, सो 636 मैचेस में
अगर MI जितने बार भी खेला होगा तो खेलने के बाद कितने उसके आए विंस 92 अभी आइडेंटिफाई कर सकते हो MI कितने बार प्ले किया होगा 636 मैचेस में कितने टाइम्स MI ने खेला है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अब MI तो टीम वन में भी है टीम टू में भी है कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि MI ने कितने टाइम्स मैचेस खेले हैं बताओ बताओ ऐसा तो सर्च नहीं कर देंगे ना कि टीम वन ये वाला कंडीशनल नहीं लगा सकते यहाँ पर कि टीम वन इक्वल इक्वल्स टू MI टीम टू इक्वल इक्वल्स टू MI है ना अगर ऐसा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा MI MI के साथ तो खेलेगा ही नहीं समझ रहे हो बात टीम वन में भी MI होना चाहिए टीम टू में भी MI होना चाहिए ऐसा लगा दे क्या यस सर और यस सर लगा दे चलो श्योर हो सर और लगाएंगे टीम वन में MI होना चाहिए या फिर टीम टू में MI होना चाहिए चलो सब लग जो जो बोलोगे वही लगाऊंगा तुम लोग से पूछ रहा हूँ सर पढ़ तो चुके हैं अब ये सब ये लगाया मैंने MI कुछ आया अरे एक टीम तो एंड ऑपरेटर नहीं और ऑपरेटर कितने हैं 157 रोज 157 मैचेस हाँ तो गुड गुड तो यहाँ पे भी MI यहाँ पे भी MI अभी जो पढ़ा वो समझ में आया ना क्यों पढ़ा था ये सब उस वक्त लग रहा होगा सर नंबर नंबर चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है उस वक्त में प्रॉब्लम हुआ था ना इस पे कि सर ये एंड और कुछ समझ नहीं अभी आ गया होगा समझ में आप ही लोगों ने आंसर बताया ठीक है तो टीम वन आया टीम टू आया कितने मैचेस हो गए अच्छा मुझे जानने थे कितने मैचेस खेले MI ने तो कैसे करूंगा यहाँ पे डॉट इंडेक्स या डॉट साइज कर साइज नहीं करो शेप कर तो कितना हो गया 157 तो 157 मैचेस में 92 टाइम्स MI ने जीता है अच्छा स्कोर है नाइस है ना समझ में आई बात यस नो जल्दी बताओ बाकी के कॉलम्स कहाँ गए हाँ अब देखना है कि सिटी हमने देख लिया वेन्यू क्या है एक मिनट वेन्यू क्या दिया स्टेडियम का नाम दिया है क्या मैन ऑफ द मैचेस दिया है ये सब आप लोग एक्सप्लोर करते रहना ठीक है बाकी डेटा सेट भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे कितना बच गया 50 मांगेंगे अच्छा ये है हाँ ठीक है चलो इसको मैं नहीं जा रहा हूँ आप लोग एक्सप्लोर करते रहना बैठ के उसको डेटा सेट दे दिया हूँ क्लासरूम में बढ़िया एकदम जाते रहिएगा उस पर हाँ अभी देखो मुझे देखना है कि विन बाय रन्स तो ऐसी कौन सी टीम है ये जो दो कॉलम दिए हैं विन बाय रन्स एंड विन बाय विकेट्स तो ऐसी कौन सी टीम है जो सबसे ज़्यादा रन से जीती है पिछले 636 मैचेस में है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे करेंगे बताओ तो अब क्या करना पड़ेगा आपको एक कॉलम में पर्टिकुलर जहां पे मैक्सिमम वैल्यू है अगर मैं देखूं df डॉट ये नया फंक्शन अभी आप पढ़ोगे विन बाय विकेट्स विन बाय रन्स तो विन बाय रन्स में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है तो 146 रन है मैक्सिमम तो ऐसी कौन सी टीम है जो 146 रन से जीती है आरसीबी होगी क्या पता नहीं चेक करते हैं तो क्या करेंगे df डॉट क्या कर दोगे बताओ ऐसा चेक करोगे क्या df डॉट विन बाय रन्स इक्वल इक्वल्स 146 तो सारे फॉल्स आएंगे कहीं तो ट्रू होगा तो दिख रहा है MI वर्सेस DD और MI वाज द विनर 149 रन से MI ने जीता था और लंडन सिमंस था क्या हाँ और ये मैच का डिटेल्स समझ में आई बात क्लियर बात यस सर है ना विन बाय रन्स 146 और आपको वैल्यू मिल गई अब ऐसी सेम विन बाय विकेट्स देखेंगे तो कौन सी ऐसी टीम है जो 10 विकेट से जीती है फर्स्ट टाइम है या कितने 636 मैचेस में
कौन सी ऐसी टीम है जो 10 विकेट से जीती होगी, कैसे चेक करेंगे? अभी यहाँ पे न्यू फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या करेंगे, df डॉट, यहाँ पे अगर मैंने किया df डॉट, अच्छा मैक्स देख लेते पहले तो, देन बाय विकेट्स इक्वल इक्वल्स, अगर मैंने दिया 10 तो उसको वैल्यूज होनी चाहिए, तो बहुत सारे वैल्यूज हैं, है ना, बहुत सारे वैल्यूज हैं। अब देखो एक एरर आता है छोटा सा, वो एरर क्या बता रहा हूँ, अगर आपने लिखा df डॉट विन बाय विकेट्स डॉट idx मैक्स, ये बताता है आपको कि मान लो कि ये छोटा सा डेटा सेट है, ठीक है, इस डेटा सेट पे ये कॉलम्स पे जो भी वैल्यूज आ रहे हैं, इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो किस रो में आ रहा है, अगर आपको ये देखना है किस इंडेक्स में आ रहा है वो पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू कौन से इंडेक्स पर आ रहा है, तो बताएगा क्या 483। अभी क्या दिखा रहा है, ये सारे है ना, अभी मैं अगर आइडेंटिफाई करूँ कि विन बाय विकेट्स में इंडेक्स का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, तो बता रहा है ये 12। क्या बताया, एकदम फर्स्ट वैल्यू जो है 12 दिख रहा है आपको, बाकी वैल्यूज नहीं बता रहा है, सिर्फ 12 बता रहा है, समझ रहे बात? तो इंडेक्स मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले डेटा सेट पे कहाँ पर आया, 12 नंबर पे आया। आगे बात क्लियर हुई? अरे कोई प्रॉब्लम है सर, ये एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, चलो अभी क्या हुआ कि df का अगर मैं सैंपल दिखाऊं आपको, कुछ 6-7 ले लेता हूँ वैल्यूज। हाँ चलो, तो df के अभी मुझे सैंपल 7 वैल्यूज हैं, अभी इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है बताओ, कहाँ पर है इसमें मैक्सिमम? 60 आ रहा है ना, 60 आ रही है। हाँ, इसका इंडेक्स नंबर कहाँ है, 370। हाँ, अभी एक काम करता हूँ, df new क्रिएट करता हूँ ऐसा, और एक सैम्पल लेके df new रन कर देते हैं। चलो अभी एक न्यू डेटा फ्रेम आया है, इसमें मैक्सिमम मुझे दिख रहा है 21। एक बार और रन करो यार, तो बहुत कम वैल्यूज आ रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो 27 मैक्सिमम है इसका। मुझे मैक्सिमम अगर आइडेंटिफाई करना है df new का, तो मैं क्या करूँगा, df underscore new डॉट किसी एक कॉलम का देखना है ना, तो विन बाय रन्स का देखना है मुझे, तो मैंने लिखा विन बाय रन्स का idx मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इंडेक्स का मैक्सिमम वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये मुझे बताएगा 259 नंबर इंडेक्स पे आपका मैक्सिमम वैल्यू है। समझ आई बात, सही बता रहा yes, है 259 पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है? हाँ जी, इसको रीडन करो अगर, हाँ, और अगर सेम होता है वैल्यूज तो सबसे पहला जो वैल्यू है वो आपको बताया जाएगा। तो ये इतने सारे मैचेस हैं, ये सारी टीम है पिछले 636 मैचेस में, ये सारी टीम है जो एक दूसरे के साथ खेलने के बाद 10 विकेट से जीते हैं। अब इसमें भी आप कंडीशन लगा सकते हो कि उस दिन DL अप्लाई हुआ था कि नहीं हुआ था, जो भी आप अपने अपने कंडीशंस लगा कर आप सॉल्यूशंस के पास पहुंच सकते हो, ठीक है? हाँ बताओ, कोई प्रॉब्लम डेटा सेट एक्सप्लोर करने में जितना पढ़ा अभी तक, एनी प्रॉब्लम्स सर? हाँ बताओ, आपने सर ऊपर एक बार df डॉट मैक्स लगाया था ना हमने अभी, हाँ, विन बाय रन्स में, हाँ, ये सर 32 ये रहा, हाँ, तो इसमें सर अगर हम जैसे df और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं तो एरर शो हो रहा है, जैसे हमने नीचे किया ना df स्क्वायर ब्रैकेट df डॉट ऐसा ऐसा करने बोल रहा हूँ ऐसा, हाँ यस सर, हाँ एक का देखो क्या प्रॉब्लम क्या है, ये आपको क्या रीड करके दे रहा है 146। हाँ, ये क्या बता रहा है आपको, एक वैल्यू बता रहा है फंक्शन रन होने के बाद, एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है, उसका आप ये नहीं कर सकते, मतलब आप उसको डबल डायमेंशन में क्रिएट कर रहे हो, एरर पढ़ना क्या बताएगा कि एरर 146 जी है ना, तो यस सर, देखो कहीं तो लिखा रहेगा एरर पे, किधर गया किधर गया, नहीं नहीं लिखा है, ठीक है चलो, तो मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पे आपने फंक्शन यूज किया, ठीक है, इसकी जगह yes, पर आप अगर इक्वल्स यूज करते हो, अगर आप फंक्शंस नहीं देख रहे हो, आप इक्वल्स करके टेस्ट कर रहे हो कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर है वहाँ पर,
तो ये आपको रिजल्ट चेक करके देगा, ठीक है। So, सर ऐसा पर क्यों हो रहा है, जैसे हम df स्क्वायर ब्रैकेट में अगर 1 लिखे तो df का जो 1 इंडेक्स वाला है वो शो होता है ना? नहीं समझा मैं, आप क्या पूछ रहे हो, फिर से पूछो। जैसे सर हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है ना df, हां अगर हम सिंपली लिखें df स्क्वायर ब्रैकेट में 5, df स्क्वायर ब्रैकेट में 5 तो हां तो ये एरर आ रहा है, आएगा ना एरर तो आएगा। देखो एक बात बताओ, df के अंदर जब लिस्ट ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं तो वो क्या होता है, कॉलम होता है। अच्छा हाँ ठीक है सर, है ना, तो फाइव नाम का तो कॉलम ही नहीं है। अच्छा आपको सर, इंडेक्स अगर लोकेट करना है इंडेक्स नंबर तो आप ilock यूज करो और 5 डाल दो, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। अच्छा df i बनी है, यहाँ पर है i, ये अभी आपको कुछ तो मिलेगा। हाँ ये देखो सर, है ना, ये चीज है ऐसा, ठीक है। कोई डाउट? नो नो, ठीक है सर। टिफिन लिखा है क्या यहाँ पर? हाँ सर।